Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 3 pair of linear equations in two variables exercise 3.2 question number 4. Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. First part hai, x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इन दोनों लाइंस का जो कि हमें इक्वेशंस दी हुई है, इनका कम से कम एक सॉल्यूशन होना जरूरी है। मतलब x और y की एक ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। और इनकंसिस्टेंट हो जाती है जिनका कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, राइट। अब इनकी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंट की जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है, पहला, इफ ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू देन लाइन्स होती है कंसिस्टेंट। और इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं यूनिक, मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन आता है जो कि यूनिक होता है। और ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स इनको हम बोलते हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। देन सेकेंड आता है हमारा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ये भी कंसिस्टेंट होती है। इनके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। और ये लाइंस कोइंसाइड होती है, मतलब सेम लाइन होती है एक के ऊपर एक, ठीक है। देन थर्ड प्रॉपर्टी होती है, इफ ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो वो होती है इनकंसिस्टेंट, मतलब कि वो लाइंस पैरेलल होती है। अब जब वो पैरेलल होती है तो उनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता, तो नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब हमने देखना है इसमें कि ये कैसी लाइन है। तो सबसे पहले हम ए वन अपॉन ए टू निकालेंगे, ए वन अपॉन ए टू, देन बी वन अपॉन बी टू एंड देन सी वन अपॉन सी टू, ठीक है। ए वन कितना है हमारा, एक्स का कॉफिशियंट, यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया वन अपॉन दूसरी इक्वेशन का एक्स का कॉफिशियंट, वन अपॉन टू। बी वन अपॉन बी टू वाई के कॉफिशियंट्स वन और टू, ये भी वन अपॉन टू आ गया, ठीक है। और सी वन अपॉन सी टू ये हो गया कॉन्स्टेंट टर्म, फाइव अपॉन टेन, और इसको भी जब हम डिवाइड करेंगे तो ये भी वन अपॉन टू आ जाएगा। जब हमारे तीनों इक्वल आ गए तो ये लाइन कैसी हो गई, ये हो गई कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लाइन हो गई, ठीक है। और इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो होंगे मैनी सॉल्यूशंस, राइट। और बोला है कि अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले इसके पॉइंट्स निकालने होंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव के हम प्लॉट्स पॉइंट्स निकालते हैं। यहाँ लिखा हमने x और ये आ गया हमारा y। x की वैल्यू जब हम जीरो डालेंगे तो y इज इक्वल टू फाइव आ जाएगा, और अगर y इज इक्वल टू जीरो डालेंगे तो x इज इक्वल टू फाइव आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में भी देख लेते हैं, x और y के इसमें भी पॉइंट्स निकाल देते हैं। जब हम इसमें x इज इक्वल टू अगर टू डाल रहे हैं, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा थ्री। और अगर हम इसमें x इज इक्वल टू वन डाल रहे हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर। इस तरीके से ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब इनको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमने ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनाने के बाद ये हमारा ओरिजिन होता है, हमें प्लॉटिंग करनी है जीरो फाइव। तो एक्स एक्सिस पे जीरो और वाई एक्सिस पे फाइव, तो ये हमारा पॉइंट आ गया जीरो फाइव, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा फाइव जीरो, तो 50 जो हमारा पॉइंट होगा ये होगा x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट 0, तो ये आ गया हमारा 50। इन दोनों को जॉइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब दूसरी इक्वेशन को प्लॉट करना है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, तो हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पर, दिस इज 2 एंड 3, ये हमारा पॉइंट आ गया। अब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4, मतलब ये हमारा पॉइंट आ गया 1 और 4।
और जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे जाएगी, वो यहीं पर जाएगी, यही एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, मतलब इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन बन गई। तो ये जो लाइन होती है ये कैसी लाइंस होती है, कोइंसाइड होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं और इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। सेकेंड पार्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इसमें भी देख लेते हैं कि हमारा क्या आते हैं, ए वन अपॉन ए टू, देन बी वन अपॉन बी टू एंड देन सी वन अपॉन सी टू। ए वन अपॉन ए टू हो गया x का कॉफिशियंट 1 और 3, मतलब ये आ गया हमारा 1 अपॉन 3। बी वन अपॉन बी टू हो गया y का कॉफिशियंट माइनस 1 अपॉन माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये भी 1 अपॉन 3 आ गया। और सी वन अपॉन सी टू हो गया 8 अपॉन 16 और ये कैंसिल होके 1/2 आ गया। अब क्योंकि हमारा 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2 है तो ये कैसी लाइन हो गई, इनकंसिस्टेंट, जिनके कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं, नो सॉल्यूशन, राइट। ये लाइंस जो होती हैं ये कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। थर्ड पार्ट, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम देख लेते हैं हमारे ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू क्या आ रहे हैं। ए वन अपॉन ए टू है एक्स का कॉफिशियंट मतलब 2/4 तो ये आ गया हमारा 1/2। बी वन अपॉन बी टू वाई का कॉफिशियंट दैट इज 1/ और माइनस के 2, तो सी वन अपॉन सी टू निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं। 1/2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/2, सो ये कैसी लाइंस हो गई, कंसिस्टेंट लाइन हो गई। ठीक है, इनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं बिकॉज ये कंसिस्टेंट है। सो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले इनके पॉइंट्स निकालेंगे, तो इनके हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। यहाँ हमारा आ गया x एंड दिस इज y। जब x पर हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 और y इज इक्वल टू, जब 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। दूसरी इक्वेशन के भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। जब ये x हो गया और ये y हो गया, जब x इज इक्वल टू हमने इसके अंदर 1 पुट करा तो y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, और अगर हमने x इज इक्वल टू 2 डालते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू जब हम इसके अंदर 2 डालते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ पर प्लॉटिंग करते हैं। ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हमने ग्राफ ले लिया और अब हम देखेंगे कि ये पॉइंट्स कहाँ हैं, 0 और 6। ठीक है, x 0 और y 6, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, ये दिस इज 0 6 और दूसरा पॉइंट 3 0। 3 0 हमारा जो पॉइंट आएगा यहाँ पर आएगा, दिस इज 3 0 और इनको ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी लाइन किसकी लाइन आ गई, ये आ गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की हमारी लाइन आ गई। अब हम ये वाले पॉइंट प्लॉट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0, तो 1 0 ये हमारा पॉइंट आ गया 1 0 और दूसरा पॉइंट है हमारा 2 2, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 मतलब ये पॉइंट आ गया हमारा 2 2। और जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारी लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी और ये लाइन है हमारी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 की लाइन है। ठीक है, और इसका जो यूनिक सॉल्यूशन आया है, वो सॉल्यूशन जो आया है इसका, वो आया है हमारा 2 2, जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट में 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे, देन b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। ये आ गया हमारा 2/4 मतलब कि ये हो गया हमारा 1/2।
बी वन अपॉन बी टू दैट इज माइनस के टू और माइनस के फोर, ये भी हमारा वन अपॉन टू आ गया। और सी वन अपॉन सी टू ये हो गया माइनस के टू अपॉन माइनस के फाइव, ये आपस में कैंसिल हो गए और ये आ गया टू अपॉन फाइव। यहाँ हमारा वन अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू इज नॉट इक्वल टू टू अपॉन फाइव है, तो ये लाइन्स कैसी हो गई? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये लाइन्स कोई सॉल्यूशन नहीं देती है, नो सॉल्यूशन होता है इनका, और ये पैरेलल लाइंस होती हैं। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको और क्वेश्चंस देखने हैं और चैप्टर्स देखने हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।